नाजरीन, जैसे कि मीरपुर जो आज़ाद कश्मीर में मईशत के हब की हैसियत रखता है, कोरोना के बावजूद ये वाहिद शहर रहा जिसकी इकॉनमी पिछले 2-3 सालों से बूस्ट होती रही। इसका अंदाज़ा इससे हो सकता है कि जितनी भी जो फ्रेंचाइजीज़ हैं नेशनल मल्टीनेशनल कंपनीज़ की, वो यहाँ पे मौजूद हैं। आज इस वक्त हम आज़ाद मेगा मॉल में मौजूद हैं। यहाँ पे आइडियाज़ की फ्रेंचाइज़ की ओपनिंग हुई है। इस हवाले से इफ्तिताह इसका साबिक वज़ीर हुकूमत आज़ाद कश्मीर और आज़ाद ग्रुप ऑफ कंपनीज के सीईओ चौधरी मोहम्मद सईद कर चुके हैं। हम उनके साथ बात करेंगे और इसके अलावा यहाँ पे जनरल मैनेजर आइडियाज़ के भी आतिफ साहब मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जोई साहब। जोई साहब, गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे, कैसा लग रहा है आपको कि कितनी खुशी हो रही है कि मीरपुर में एक बड़े सेटअप का आज आपके हाथों से इफ्तिताह हुआ? शुक्रिया नवाज। ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा ब्रांड है और ब्रांड इट्स, ये फ्रेंचाइज नहीं है, ब्रांड इट्स सेल्फ जो कंपनी है उसकी प्रेजेंस है यहाँ पे। तो इसका यकीन उन्होंने मार्केट स्टडी किया होगा। मीरपुर में बहुत पोटेंशियल है और मुझे यकीन है कि जिस तरह की इन्वेस्टमेंट की है, जिस तरह की जॉब अपॉर्चुनिटीज यहाँ लाए हैं, तो इसके बैक ऑफ माइंड पर यकीन नहीं होगा कि वैसे लोग भी रिस्पॉन्स करेंगे। मैं दुआगो हूँ कि अल्लाह ताला इनकी जो ये एफर्ट है इसमें इनको कामयाब करे और ये जो बिज़नेस है फले फूले, दीगर ब्रांड्स भी यहाँ आना चाह रहे हैं। ये एक बारिश का पहला कतरा होगा यहाँ के लिए कि मीरपुर की जो मार्केट है उसके अंदर इस तरह की तब्दीली है। ये एक आइकॉनिक बिल्डिंग है और आइकॉनिक स्टोर है जो लोगों के लिए मशले रहा होगा, लेकिन आज हम जहाँ मौजूद हैं ये जो गुल अहमद का एक प्रोजेक्ट है, ये स्टैंड अलोन इनका कॉन्सेप्ट है पाकिस्तान भर में, और आज मीरपुर आए। मैं आज इन्हीं तक, जब नीचे चलेंगे इंशाल्लाह उस पर भी बात करेंगे। ये चूँकि इतनी बड़ी एफर्ट है, इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट है, इतनी दिल से ये बनाया गया है कि मुझे महसूस होता है कि मैं बर्मिंगम के या मैनचेस्टर के किसी स्टोर में खड़ा हूँ और हमारे वो बहन भाई बिलखसूस जो बाहर से आते हैं और जिनको इस तरह की प्रोडक्ट्स यहाँ नहीं मिलती थी, उनको ट्रैवल करना पड़ता था रावलपिंडी और लाहौर की तरफ, आज उनको ये फैसिलिटी गुल अहमद ने। तो मैं गुल अहमद की जो मैनेजमेंट है, उनकी जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, चेयरमैन को सबको मुबारकबाद दूंगा और शुक्रिया अदा करूंगा ऑन बिहाफ ऑफ दी पीपल ऑफ मीरपुर के आपने मीरपुर को एक वेन्यू के तौर पे एक स्टोर के लिए मुंतखब किया, और मुझे यकीन है कि अहले मीरपुर भी इसको रिस्पॉन्स करेंगे और ये इसकी कामयाबी हमारी कामयाबी होगी। मैं तमाम जो गुल अहमद की टीम है जिसने दिन रात यहाँ एक किया, उनको मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का स्टोर बहुत कम वक्त में, एग्जैक्टली 2.5 मंथ्स में आज खुलकर ये सामने आ गया। तो ये सब लोग मुबारकबाद के मुस्तक हैं। मुझे यकीन है जो इन्होंने मार्केटिंग टीम इंगेज की है वो पूरी एफर्ट्स करेगी इसको टू मेक इट एज सक्सेस मॉडल। जी, आप मेरे साथ मैनेजर आइडियाज़ मलक आतिफ बाली साहब मौजूद हैं। मलक साहब, सबसे पहले बताइएगा, यकीनन आपने जब मीरपुर में ये आइडियाज़ लाए तो विज़िट किया होगा इकॉनमी का और कस्टमर्स की कंडीशन देखी होगी। जी, हमने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी, सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया और सारी टीम का और चॉइस साहब का स्पेशली शुक्रिया कि आप लोग तशरीफ़ लेके आए और हमें इज़्ज़त बख्शी। मीरपुर में माशाल्लाह, जैसे कि आपको पता है कि छोटे छोटे ब्रांड्स भी पहले आना शुरू हुए, कुछ अरसे बाद फिर बड़े ब्रांड्स आना शुरू हो गए। मीरपुर के बहुत ज़्यादा जो पॉपुलेशन है दे आर लिविंग इन यूके आउट ऑफ कंट्री में, तो लोगों के पास एक परचेजिंग पावर भी है। तो हम गुल अहमद इज़ अ ट्रेड सेंड, तो गुल अहमद का जो ट्रेंड है ना वो लोगों की जेब से पैसा निकलवाना नहीं है। गुल अहमद का ट्रेंड है कि वी आर प्रोवाइडिंग द गुड क्वालिटी, हम कस्टमर को क्वालिटी प्रोवाइड करते हैं, हम कस्टमर को एक ट्रेंड सेट करके देते हैं उसके अकॉर्डिंग टू देयर माइंड्स। तो कोशिश हमने सबने मिलकर टीम ने ये कि पहले एक इंटेलिजेंस देखा मार्केट में कि किस लेवल का प्रोडक्ट होना चाहिए, कौन कौन सी कंपनीज यहाँ पे बैठी हुई हैं, व्हाट पीपल्स आर एक्चुअली डूइंग। तो अल्हम्दुलिल्लाह चॉइस साहब के पास हम आए तो उन्होंने हमारी बड़ी सपोर्ट की और इन्होंने अपना ही सारा सेटअप हमें दिया कि मैं आपको अपना सेटअप देता हूँ, यू शुड ट्राई और इसको पूरा तैयार करो, कम्प्लीट करो, एक अच्छा सा स्टोर बना के दो। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये 14,500 स्क्वायर फुट के ऊपर एक बहुत बड़ा फ्लैगशिप स्टोर है जो कि गुल अहमद की बहुत बड़ी अचीवमेंट है। इट्स अ बिग अचीवमेंट ऑफ गुल अहमद और दिस इज़ अ ग्रेट टीम एफर्ट्स। बनाने में भी बहुत टाइम लगा, इसको लेआउट डिज़ाइन करने में भी बहुत टाइम लगा, फिर कस्टमर की साइकी को देखना, व्हाट कस्टमर एक्चुअली नीड।
सो प्रोडक्ट भी अच्छी लगी और इंशाल्लाह इसकी आज इनॉग्रेशन भी चौधरी साहब ने ही की है और लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि हम इसको अच्छे रिजल्ट्स ले सकें। ठीक है, लेकिन चौधरी साहब की तरफ से मैं ही कर देता हूँ कि एक जो आज कस्टमर्स आएंगे उनके लिए कोई आज स्पेशल गिफ्ट वगैरह या कोई डिस्काउंट वगैरह जी, उसके लिए हमने अल्हम्दुलिल्लाह फ्लैट 40% डिस्काउंट लगा फॉर ऑल प्रोडक्ट्स, सबके ऊपर भी जितना भी हमारा ऑन ऑल कैटेगरीज भी, जिसमें लेडीज़ लूज़ फैब्रिक भी है, जिसमें अनस्टिच्ड भी है, स्टिच्ड भी है, शू एंड बैग्स भी हैं, होम टेक्सटाइल्स भी हैं, उसके बाद जेंट्स फैब्रिक्स भी है, अपेरल्स भी हैं, तो जितने भी प्रोडक्ट्स होगी उसके ऊपर 40% फ्लैट फॉर द 3 डेज, ये 3 दिन चलेगा। थैंक यू वेरी मच जी। नाज़रीन, यहाँ पे आज़ाद मेगावाट में गुल अहमद के आइडियाज़ की जो लूट सेल कह सकते हैं 40% पे शुरू हो चुकी है, ये ऑफ़र 3 दिन के लिए है। अभी हमारे साथ बात कर रहे थे साबिक वज़ीर हुकूमत, उन्होंने आइडियाज़ की टीम को वेलकम किया और आइडियाज़ के GM ने ये खबर सुनाई कि 40% डिस्काउंट है। तो मेरा तो ये आइडिया है कि आप जल्दी जल्दी करें और यहाँ पर आएँ और 3 दिनों में इस जो 40% की जो सेल लगी है उससे फ़ायदा उठाएँ।